हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जो बड़े पाए के बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं मैंने एक साल हज किया और हज करके मैं हरमान शरीफ में आ गया। मैं वहाँ सो रहा था, ख्वाब में मैंने देखा कि दो फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है, भाई इस साल कितने लोगों ने हज किया? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा 6 लाख अफराद है। तो पहला फरिश्ता पूछा है क्या सबका हज कबूल हो गया? दूसरा फरिश्ता कहता है कि नहीं, किसी का हज कबूल। अलबत्ता एक शख्स ऐसा जो हज में तो नहीं शामिल हो सका, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह ने उसका हज भी कबूल कर लिया है और बाकी अफराद का हज भी कबूल। क्या नाम है? उसने कहा अली इब्ने मौफल, और वो दमिश्क में रहता है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं मुझे तजस्सुस हुआ, मैं जब उठा बेदार हुआ तो तजस्सुस, इतना बड़ा कोई शख्स है जिसकी वजह से 6 लाख अफराद का अल्लाह ने हज कबूल, निशान शौकत वाला होगा, चलो उससे मिलते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मैं हज सफर से फारिग होकर जब वापस आया तो मैं दमिश्क पहुंचा। मैंने वहां जाकर पूछा कि अली इब्ने मौफल कौन है? उन्होंने कहा कि वो फलां जगह उसका घर है। मैं पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो एक शख्स बाहर आया। मैंने पूछा भी आपका नाम क्या? उसने कहा जी मेरा नाम अली है। मैंने चंद बातें आपसे पूछने को कहा जी पूछिए। तो मैंने पूछा पहले तो ये बताओ कि आप क्या काम करते हैं? जूतियां सीता हूँ, बोझी। ये बताओ कि जिंदगी का कोई अहम तरीन वाक्य आपके साथ पेश नजर आया हो, दिल की ख्वाहिश, कोई तमन्ना, जरा आप गौर करके हमें बताएं। कहा हाँ जी मेरी एक दिल की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मैं हज्जे में तुलक हूँ। उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की, 3000 दिरहम मैंने 3 सालों में जोड़े ताकि मेरे अखराजात पूरे हों। अब मैं अपने अखराजात मुकम्मल कर चुका, के लिए तैयारी थी, रवानगी थी, काफले के साथ जाना था कि अहलिया घर में एक पड़ोसियों के घर के तौम की खुशबू आई, कहने लगी कि मुझे भूख बड़ी लगी है तो मैं खाना भी नहीं तैयार कर सकती, चले आप हमसायों के घर से ना थोड़ा सा मेरे लिए खाना ले। हमसाया के घर को दस्तक दी तो एक शख्स बाहर आया। मैंने कहा भाई थोड़ा सा खाना हमें भी दे दें, मेरी अहलिया को भूख लगी है। कहा अली बात यह है कि मेरे घर में 5 दिन से खाना नहीं पका, मेरे भूखे थे और तड़प रहे थे, हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैं जंगल में चला गया, वहां गधा मरा पड़ा था, टुकड़ा उसका गोश्त का काटा, घर आया, मैंने खाना तैयार किया। अब ये खाना जो तैयार हुआ है ये उन बच्चों के लिए है और मुर्दार से बना है। भाई आप जानते तो हैं वो हमारे लिए तो ठीक है लेकिन आपके लिए तो हराम है। जब ये बात सुनी तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, शर्मिंदगी भी हुई, और दिल में मैंने कहा कि मेरे पड़ोस में इतना बड़ा फाका और मुझे खबर नहीं। मैं फौरन गया, मैंने कहा अच्छा ठहरे, मैंने वो 3000 दिरहम उठाए और मैंने जाके उसे पेश किया, ये लो अपने घर के अखराजात करो, बस मेरे लिए यही हज है, इससे बढ़कर और मुझे पता नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते हैं मैंने उसे कहा फिर तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे अमल को कबूल किया है और खालिक कायनात ने तेरी वजह से 6 लाख अफराद के हज को भी कबूल किया है, हालांकि तूने तो मनासे के हज किए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे इस अमल को इतनी खालिक कायनात ने पज़ीराई बख्शी है, कबूलियत बख्शी है, ये भी परवरदिगार आलम ने फैसला किया है कि तेरी सूरत का एक फरिश्ता है जो क़यामत तक हज करता रहेगा, उसका अजर व सवाब तुझे मिलता रहेगा। आगे इस बात की और समझना चाहिए कि हमसायों का हमने कितना ख्याल रखना है, गिर्द पेश के लोगों की कैफियत हमने जाननी है कि कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान हाल तो नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। जब हम टूटे हुए दिलों की मदद करते हैं तो खुदावंद जलाल हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अल खल्क व यादुल्ला, ये जितना कुंबा है मखलूक है ये मेरा खानदान है, इसलिए हमें अल्लाह के खानदान से मोहब्बत करनी चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए।